आइए हम फिर से अपनी समझ का विस्तार करें, मन में विक्षेप, अपने रीजनिंग पावर में विक्षेप, इसका मतलब हलचल, मन को दौड़ाएं, बुद्धि को दौड़ाएं और चारों तरफ देखें तो जिस मार्ग पर हम चलते आ रहे हैं, चाहे धर्म का मार्ग हो, कर्म का हो, सेवा का हो, चाहे राष्ट्र की रक्षा की बात हो या समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, अपनी रक्षा, जो कुछ नियम अपनाए गए अभी तक और जो बताए जाते हैं उसमें सुनिश्चित नहीं है कि हम सुरक्षित हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ लेकिन उस तरह से भक्ति नहीं करता हूँ जैसे लोग करते हैं, या हनुमान जी को जैसे लोग मानते हैं कि वो बंदर थे, हम उनको बंदर नहीं मानते हैं। जैसे राम और कृष्ण देवी देवता एक सुंदर होते हैं, ऐसे उनका सौंदर्य रूप है, तो लोग हनुमान जी को बंदर की तरह मानते हैं, हम उस तरह से नहीं मानते हैं। हम कैसे मानते हैं, आप कल्पना करिए, कृष्ण भगवान कैसे थे, भगवान राम कैसे थे, बुद्धा कैसे थे, उनसे कम सुंदर थोड़ी थे। जब कहते शिव के अवतार तो उनसे कम सुंदर कैसे होंगे। भगवान बंदर थे, इसको सिद्ध करने के लिए कहानियां बनाई गई, ऐसी कहानियां की पूछिए नहीं कि नारद मुनि जा रहे थे किसी गांव में, स्वयंवर था तो उनको लोग बुलाए, इस लड़की का भाग्य देखे, विवाह हो रहा है ठीक है कि नहीं, उसका हाथ देखे, कहते हैं अरे इसके साथ जिसका विवाह होगा वो तो त्रिलोकपति होगा। तो नारद के मन में इच्छा हो गई त्रिलोकपति वही हो, क्योंकि त्रिलोकपति विष्णु को करते हैं। विष्णु क्या है, ऐसी शक्ति जो सबकी रक्षा करे, सत्य और अहिंसा, यही एक शक्ति है जिससे सबकी रक्षा होती है। जब नारद के मन में आया, सोचे कैसे होगा, तो नारद की एक शक्ति है तो कभी मरेंगे नहीं, जैसे महातार बाबा है, और कहीं पर भी कभी चले जाएं रोक टोक नहीं है, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, जब चाहे तब आए और जाएं। लेकिन उनको लालच आ गई, हमको त्रिलोकपति होना है, तो जाके विष्णु से कहते हैं हमको अपना चेहरा दे दीजिए, कहते ठीक है, तो चेहरा दे दिए, आए, सोचे कि बड़े सुंदर लग रहे हैं, बैठे स्वयंवर में, सोचे को लड़की इन्हीं को वरण करेगी, जहाँ लड़की रहे वहीं पहुँच जाए, तो उनको देख करके खिसक जाए, हर जगह पहुँचते रहे और खिसकते रहे। किसी ने कहा जरा अपना मुंह तो देखो, तो गए मुंह देखे, पानी था तो उसमें बंदर, तो उन्होंने श्राप दिया विष्णु को कि बंदर से ही आपका काम चलेगा, बिना उनके आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। तो वही हनुमान जी आए थे बंदर के रूप में। इतनी कहानियां, इतना झूठ, इतना गप जिसकी चरम सीमा नहीं। आप सोचिए कि हम लोग छोटा सा ध्यान करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान करिए, आपको मन में इच्छा नहीं आएगी कि आप किसी का राज्य ले लें या किसी की जमीन हड़प लें, किसी को छोटा दिखाएं और आप सबसे आगे हो जाएं, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर पूरा नियंत्रण हो जाता है थोड़े से ध्यान में। नारद इतने बड़े ध्यान करने वाले, पल भर में चाहे जहाँ चले जाए, तो उनके अंदर एक कैसे होगा, ये कितनी झूठ रची गई है किसी एक चीज को सिद्ध करने के लिए। याद रखिए, तब से लोग मानते हैं हनुमान जी बंदर हैं, मैं नहीं मानता, और जितने लोग हनुमान जी को बंदर मानते हैं सब बीमार हैं, या सुसाइड करते हैं, या मारे जाते हैं, या धोखा होता है, या गठिया होता है, या बहरे होते हैं, चश्मा लगने लगता है, सब बीमारी होती है। बताइए कोई हनुमान जी का भक्त दिखा दे,
जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी ला के ठीक किए थे लक्ष्मण को, हनुमान जी उनको ठीक करते हैं, तो एक पैसा लेने का क्रम है, मंदिर बनाओ पैसा लो, और पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसे गलत काम करो। हनुमान जी के मैं सच्चा भक्त हूँ बचपन से। सुल्तानपुर में एक जगह है हनुमानगढ़ी, जहाँ कहते हैं कि हनुमान जी मकर ध्वज को मारे थे, हमारी दादी माँ रोज जाती थी वहाँ से, 5 किलोमीटर था हमारे घर से, हम भी टमटम पर बैठ के जाते थे उनके साथ, इक्का पर, हम तो रोट खाने के लिए जाते थे। मैं मानता ही नहीं था हनुमान जी ये हैं जिसका जिसको ये कहते हैं, हम बचपन से नहीं मानते। तो हनुमान की भक्ति कैसे करेंगे? हनुमान जी का जो शब्द है इसी में सारा ज्ञान भी है। शब्द में ब्रह्म की शक्ति होती है, ब्रह्म की शक्ति क्या, निर्माण की शक्ति। अगर हनुमान जी के अंदर ज्ञान को आप पा जाइए तो अपने हड्डी को बना लीजिए, फेफड़ा को बनाइए, हार्ट को बनाइए, किडनी को बनाइए, अपने शरीर को रिपेयर कर लीजिए, जैसा चाहिए वैसा बनाइए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, लिखा गया है ना वेदों में शास्त्रों में। तो हनुमान जो शब्द है इसके अंदर प्रवेश करिए। कैसे प्रवेश करेंगे? समिक्तेश्वगिरी की एक टेक्निक है, जब ध्यान करिए तो ज्ञान होता है कैसे प्रवेश करें। चलो प्रवेश कर गए तो क्या मिला? इसमें हन मिला, फिर क्या मिला? उ, फिर क्या मिला? मान। हन किसको कहते हैं? हनन की क्रिया। हनन क्या है? रूपांतरण। बर्फ को गर्म किया पानी बन गई, तो बर्फ का हनन किया, पानी को गर्म किया भाप बन गई, हमने पानी का हनन किया, हमने भाप को इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल दिया, कि हनन की क्रिया हुई। हम प्रोटीन खाए, अमीनो एसिड बदला, अमीनो एसिड लीवर में गया तो हमें वो प्रोटीन मिली जो इसके लिए चाहिए, क्योंकि जो दाल वगैरह खाते हैं वो प्रोटीन हमारे काम की तब तक नहीं है जब तक उसको लीवर ऐसे प्रोटीन में न बदल दे जो हमारे शरीर में चाहिए। जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ऐसे हमारे किसी काम का नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का हनन होता है, रूपांतरण होता है ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज जाता है लीवर में, फिर लीवर वो कार्बोहाइड्रेट वो बनाता है जो हमें कोशिकाओं में चाहिए। जैसे हम तिलहन खाते हैं, तेल खाते हैं, तो ऐसे उसको खा के कुछ मिलेगा नहीं, फिर उसका हनन होता है, रूपांतरण होता है, वही फैट फैटी एसिड ग्लिसराल में बदलता है, हो जाता है लीवर में, हमें वो फैट मिलती है जो अपने अंदर में है। तो हनन का अर्थ क्या? रूपांतरण। रूपांतरण के पीछे लक्ष्य क्या है? नवनिर्माण। ये है तो हन का अर्थ। तो रूपांतरण कैसे करेंगे? इसी में विधि भी है। ऊ है, ऊ क्या है? ऊपर। ऊपर क्या होता है? जब हम सिर से पैर की उंगली तक इसे पूरी तरह से मान लें कि भगवान हर जगह है, कण कण में है, तो अपने अंदर भी तो हैं। कौन भगवान? जिसको निराकार परब्रह्म कहते हैं, हर जगह है। अगर निराकार परब्रह्म जो असीम है, अनंत है, वो अनंत ज्ञान के रूप है, अनंत शक्ति के, परम शांति के, परम आनंद के और अमर है, तो जहाँ है सब कुछ उसी में बदल जाएगा। मान ली कोई छोटी चीज़ है और परब्रह्म इतना विशाल, इतना विशाल कि अनंत हम माप नहीं सकते हैं, तो अगर छोटी चीज़ परब्रह्म में गई तो छोटी चीज़ भी परब्रह्म हो जाती है। इस तरह से समझिए, एक गिलास का पानी है और ये है समुद्र, ये समुद्र का पानी इस गिलास में रखा गया। अब यह समुद्र ही गिलास में चला जाए या गिलास पानी समुद्र में आ जाए, दोनों स्थिति में गिलास के पानी का अस्तित्व गया, ये समुद्र हो गया। अगर हम इस गिलास के पानी को समुद्र में मिला दें तो क्या कहेंगे? गिलास का पानी नहीं, समुद्र, या समुद्र
उठ करके गिलास में भर जाए और पूरा भर के लबालब हो जाए तो गिलास का पानी भी समुद्र हो गया। अगर परब्रह्म हर जगह हमारे हाथ में है तो हाथ रहा कहाँ, ये तो परब्रह्म की उपस्थिति हो गई। तो जो हम परब्रह्म को दूर कर देते हैं, भगवान दूर है, और जहाँ परब्रह्म वहीं हनुमान जी, वहीं गणेश, वहीं काली, वहीं दुर्गा, वहीं ब्रह्मा, वहीं विष्णु, वहीं महेश, सब वही। जितने अवतार हुए परब्रह्म में, जो अवतार होंगे परब्रह्म से ही आते हैं, अवतरित होते हैं, जो अवतार चलेंगे वो भी परब्रह्म में है। पूरा ब्रह्मांड जो दिखता है ये सब परब्रह्म से निर्गत है और उसी में जाता है। अगर परब्रह्म अपने हाथ में है तो हाथ नहीं कहेंगे आप, साक्षात परब्रह्म की अनुभूति है। अगर हम अपने हाथ को कहते हैं परब्रह्म की अनुभूति है तो आपके हाथ को भी वही कहेंगे हम। अपने पैर की अनुभूति परब्रह्म की अनुभूति है तो आपके पैर को देखेंगे तो उसको भी वही कहेंगे। सिर से पैर की उंगली तक ये सारी उपस्थिति परब्रह्म की है तो आपको देखेंगे तो आपको भी वही कहेंगे, आप भले इसको ना जानते हो। मान लीजिए आप मेडिकल साइंस पढ़े हैं, आप हार्ट के बारे में जानते हैं और हम नहीं पढ़े हैं, तो आप हमें देखेंगे तो जो हार्ट के बारे में आपको ज्ञान है, हमारे अंदर हार्ट है, वो आप उसी ज्ञान से हमको देखेंगे। आप हमारा हार्ट है, उसमें वाल्व है, सेप्टम है, वेंट्रिकल है, आर्किल है, हार्ट ब्लड पंप करता है और खींचता है, रिसीव करता है, ये सिस्टालिक है, डायस्टालिक है। तो जो आप जानते हैं जो हमारे हार्ट के बारे में वही तो कल्पना करेंगे। अगर सिर से पैर की उंगली तक हम अभ्यास कर रहे हैं, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति है, तो क्या हम आपको मानव कहेंगे, आपको हार्ड मांस कहेंगे? हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अभी नहीं मान पाएंगे क्योंकि अभी आप ध्यान नहीं किए हैं। क्रिया योग ध्यान इस तरह से करिए कि ये जो हनन की क्रिया है वो रूपांतरण की क्रिया ऊर्ध्वमुखी हो। ऊर्ध्वमुखी होने का क्या अर्थ है? सिर से पैर की उंगली तक इसको हमने स्वीकार किया, साकार परब्रह्म जो निराकार परब्रह्म वही साकार रूप में है, ठीक है, तो इसमें एकाग्र हो जाएंगे तो फिर तो भगवान की खोज खत्म। सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करिए, यही परब्रह्म की अनुभूति है। इसी में सभी लोग हैं, महावतार बाबा जी, लाड़ी महाशय और जितने पैगंबर हुए हैं, जितने हुए हैं, सब इसी में हैं। तो एक मिल गया ना बहुत अच्छे तरीके से, इसको मान के करिए एक वैज्ञानिक की तरह। अगर पूरी एकाग्रता से आपने कर लिया तो सुनिश्चित है कि इसी जन्म में संपूर्ण कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और स्वेच्छा से पृथ्वी से जाएंगे जब जाना होगा, और फिर आएंगे भी। ऐसा स्वार्थी नहीं बनेंगे कभी सब लोग अज्ञान में हैं और आप गए और आए नहीं। इतना प्रेम हो जाएगा आपके अंदर कि आप जाएंगे तो आएंगे। तो इस तरह से याद रखिए, ऊ का मतलब क्या है? जब हम अपने को स्वीकार करते हैं परब्रह्म इस रूप में है, तो यहाँ से जो किरणें बाहर निकल रही हैं, लाइफ फोर्स निकल रही है, इस निकलने वाले को अपान कहते हैं। और जो लाइफ फोर्स अंदर में भरी हुई है उसको प्राण कहते हैं। जब लाइफ फोर्स अंदर आती है तो प्राण और अपान का मिलन होता है। जब प्राण और अपान का मिलन होता है तब यहाँ पर प्राण की अधिकतम मात्रा जागृत होने लगती है जो सो रही है। जब यहाँ की प्राण की मात्रा बढ़ने लगी तो जैसे नदी में बाढ़ आ जाए तो पानी समुद्र में जाता है, ऐसे अगर प्राण की मात्रा इसमें बढ़ने लगी फिर ये ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, यही प्राण ऊपर की तरफ जाता है, यही समुद्र है जहाँ से प्राण आता है। तो इस तरीके से ये प्राण शक्ति का अंदर की तरफ आना, अंदर की तरफ आने को कहते पूर्वाभिमुख, पूर्व की यात्रा, यहाँ से ऊपर की तरफ चलना उत्तर की यात्रा, इसी को कहते वनगमन। सिर और रीढ़ को ईडन गार्डन कहा जाता है, वन प्रदेश कहा जाता है। इसमें शक्ति का आना यही वनगमन है, ऊपर की तरफ चढ़ना यही स्वर्गारोहण है, इसी होने को ऊ कहते हैं। चलो ऊ कहा गया, फिर क्या होता है? जो हमारा मान है
मान कहते ईगो, ईगो कहते वो शक्ति जो सबकी रक्षा करती है, जैसे हाइड्रोजन की रक्षा, हाइड्रोजन एटम है, ये गैस के रूप में होता है, हाइड्रोजन ये है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना रहे इसलिए इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आएगा नहीं, तो ये जो शक्ति हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना रहे इसी को मान कहते हैं, ईगो कहते हैं, उसी को अहंकार शक्ति कहते हैं, उसी को जीव भाव कहते हैं, क्योंकि हम बने रहें कहीं खो न जाए, इसका अर्थ ये कि एक लहर उठी, लहर कहते हैं लहर बनी रहे कहीं समुद्र में मिल ना जाए, इसको कहते हैं जीव भाव। तो जब अपना मान है, मान क्या है, ये रूपांतरित होगा जीव भाव में, अभी तो जीव भाव है, मान रूपांतरित होगा ईश्वरी भाव में, तो अपने अहंकार का अपना ईगो का जीव भाव का रूपांतरण ईश्वरी भाव में है। अभी तो हम जीव भाव में क्या कहते हैं मनुष्य हैं, ईश्वरी भाव में होंगे तब पता चलेगा, अरे नहीं हम तो ईश्वर के संतान हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो उसको हनुमान जी की पूजा कहते हैं। हनुमान जी की पूजा वो नहीं है जाके माला चढ़ाइए लड्डू चढ़ाइए और जब कष्ट हो रहा है तो उनको पैसा दे दीजिए कि हमारा कष्ट दूर करिए, और आपके पास ज़्यादा पैसा है सोना चढ़ा दीजिए कष्ट दूर करिए, ऐसा होता नहीं है। इससे भारत के उस निर्माण का समय आ गया, आदि शंकराचार्य जो स्वामी परंपरा लुप्त हो गई थी उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कर्मकांड की पूजा है, हमने हनुमान जी को पताका चढ़ाया, फूल चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, जो कुछ किया, अपने मन का चित्र बनाया, ठीक है जिसकी जो मर्जी बनाए स्वतंत्र है, लेकिन वो कर्मकांडी पूजा है, उससे ज्ञान नहीं मिलता है। इसमें आप क्रिया के चैप्टर में देखिए आपको चीज़ मिलेगी, इसलिए मैं आपसे कहते हैं इस किताब को रोज़ पढ़िए, कुछ न कुछ इसमें पढ़ते रहिए। देखिए पेज नंबर 332 में बड़े वाले प्रिंट में, बाह्य कर्मकांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता, और अज्ञान ही सभी कष्टों का कारण है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। इसका अर्थ कि कर्मकांड और अज्ञान ये दोनों साथी हैं। फिर क्या कहते हैं, शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध आत्मबोध में लिखा है, कौन शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो केरल के थे, वो कहते क्या है, केवल अनुभूति ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है, और अनुभूति ज्ञान कैसे होगा, अपने को जानने से होगा, लेकिन ऐसा लोग करते तो नहीं, जो कहते हैं सनातन धर्म को मानते हैं, फिर सोचे कि आदि शंकराचार्य का अगर ज्ञान फैल गया, यही तो बुद्धा कहते थे। इस विश्वविद्यालय में एक टॉपिक आता है, सिद्ध करिए कि आदि शंकराचार्य प्रकृष्ट बुद्धा है, जो लॉर्ड बुद्धा ने कहा आदि शंकराचार्य उसी को पुनर्स्थापित किया, जब लोगों ने देखा कि अगर इनका फैल गया हमारा बिजनेस गया, तो केदारनाथ ने उनका गला काट करके ख़त्म कर दिए। तो सोचिए कि फिर आदि शंकराचार्य को पता क्यों नहीं चला कि गला काटेगी, उनको पता होगा, पता चल रहा होगा, उनको पता है कोई मरता नहीं है, आप गला काट दोगे सुख से जगत बनेंगे, वहाँ से और तेज़ी से नियंत्रण करेंगे। तो जो आदमी परम ज्ञान में होता है वो बदले की भावना नहीं लेता, जैसे महात्मा गांधी, जो उनकी बात लोग नहीं माने और देश का बंटवारा कर दिए, और कहे थे देश का बंटवारा अगर करना ही है तो हम लोग करेंगे, अंग्रेजों को ना बुलाइए, लोगों ने बुला लिया, तब गांधी जी कहे कब हमें जाना है, जाने का उपाय सोचा, कोई सीने पर गोली मारे, अब गोली मारे मैं उफ न करूँ, और भगवान से भी न कहूँ कि ऐसा हुआ क्यों, हमें और सेवा करना था, जो गोली मारे उससे भी हम रुष्ट ना हों, यही हुआ, गोडसे ने 3 गोली मारा और गांधी उफ नहीं किए, चौंके तक नहीं, सामने से खड़े कोई गोली मारे तरातर कितना तेज आवाज होगी, गांधी जी हिले नहीं, खून की धारा बह निकली, गांधी के दाहिने हाथ उठ गया आशीर्वाद देने के लिए, जब खून बह गया तो गांधी जी सिंह कर गए, बैठ गए, और हे राम
गांधी जी इस तरह से जाना चाहे, ईसा मसीह उस तरह से जाना चाहे, परमहंस योगानंद की ये प्लानिंग थी। अब वो समय नहीं है, अब हमें इस तरह से जाना है, सारे देश के लोग देखें। जिस योगानंद को कहते थे कि मोटे क्यों हो गए, चलने में घुटने में तकलीफ क्यों है, उनको नहीं पता। गुरु लोग अपने शिष्यों के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं जाने के पहले, उनका कष्ट कम हो जाए जिससे जाने पर उनको कष्ट न हो। ये है सब सही है, वास्तविकता है। जैसे बाबर और हुमायूं का था, बाबर ने हुमायूं की बीमारी अपने ऊपर ले लिया, जैसे हुमायूं ठीक हुए बाबर मर गए। तैसे जितने ऋषि मुनि हैं, सच्चे गुरु हैं, जाने पहले शिष्यों की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लाड़ी महाशय भी लिए थे, इक्तेश्वरगिरी भी लिए थे, योगानंद बीमारी अपने ऊपर जब कश्मीर में थे, ऐसे परमहंस योगानंद लिए और शरीर छोड़ के चले गए। अगर बीमार थे जैसा लोग कहते हैं तो उनके शरीर में जल्दी सड़ जाती, उनके शरीर में बदबू नहीं आई, दुर्गंध न आई, चेहरे की मुस्कान बनी रही, कोई शरीर में फूलने की चीज नहीं हुई, चमड़े में कोई मोल्डिंग नहीं हुई, एकदम ऐसे कैसे बना रहा 20 दिन तक। तो 20 दिन तक रखी क्यों गई, उनके घर से टेलीग्राम आ गया उनके अंतिम संस्कार में घर वाले आएंगे। भगवान ऐसा क्रम रचा, 50 देश लोग इकट्ठा हो, योगानंद का अंतिम भाषण हुआ, उसके बाद वहीं शरीर छोड़ दिए। भविष्य बताते हैं कि इंडिया विल बी देयर, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं। उसके बाद घर से टेलीग्राम गया जिससे जल्दी दाह संस्कार न करें या दफनाएं ना, लोग रोक लिए। जब रोक लिए तो शरीर देखते गए कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, कौतूहल बढ़ता गया। फिर आता है 20वें दिन की, अब नहीं आ पा रहे हैं हम लोग, टिकट नहीं मिला, क्या हुआ, दिक्कत हो रही, नहीं पहुंच पाएंगे। फिर अमेरिका में है कि आप डेड बॉडी को देर तक नहीं रख सकते हैं, फिर बॉडी को कैस्केट में बंद करके वहीं रखी है फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में, जहाँ उनकी शरीर रखी है। प्रतिदिन वहाँ अनेक लोग बैठ के ध्यान करते हैं, जबकि वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए उनकी शरीर विशेष स्थान पर रखी जाती है, कोई नहीं जाता किसी के पास, साल में एक बार कोई जाएगा फूल चढ़ाने के लिए। जहाँ योगानंद की बॉडी रखी, प्रतिदिन वहाँ पर तांता लगा रहता है। या तो योगानंद की तरह जाइए, या समीक्तेश्वरी की तरह, या लाड़ी महाशय की तरह, या कोई नई विधि अपनाइए। नई विधि अपनाएंगे अब छत से कूद जाएंगे, अरे ये मत करिएगा। चलो ध्यान तो हुआ नहीं, हम बड़े गुरु के रूप में विश्वविख्यात हैं, हमसे बड़ा कोई गुरु नहीं, हम इस विधि से जाते हैं, हम क्या करेंगे, हम गंगा में कूद करके जल समाधि ले लेंगे, ये गलत है। इसका मतलब कि हम बेवकूफ हैं, अन्य विधि से हमको जाना चाहिए ना, लोगों को कष्ट ना हो। इस तरह से याद रखिए कि अब हम लोग जो भारतवर्ष में जो आध्यात्मिक रूप में जो तरह तरह की गलत धारणाएं बनी हैं वो बनी रहे। क्यों बनी रहे भाई, देखिए हमको तो कार, हम इंजीनियर होंगे, हम कार बनाएंगे, अभी तो हम बच्चे हैं ना, हमको छोटी वाली कार खरीद दीजिए, तो उसी को चलाएंगे खेलेंगे। हमको हवाई जहाज पर उड़ना नहीं उड़ पा रहे हैं, पतंग ही उड़ाएंगे। ये सब जो बच्चों का खेल है, जो मूर्ति पूजा है, बच्चों का खेल है, उसको चलने दीजिए, उसकी आलोचना मत करिए। जितनी तरह की पूजा पद्धति सबको चलने दीजिए, आपको क्या करना आप अपनाइए, अपना सोचिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हनुमान जी, गणेश, दुर्गा, काली, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने अवतार हुए वो सब, और जितने अवतार होंगे वो सब अपने अंदर विद्यमान है। तो अपने में एकाग्र हो जाइए ना, अपनी अनुभूति कितना प्रेम करिए, सब कुछ तो है इसी में, करके देखिए इतना आनंद आएगा, इतना खुश होंगे, इतना भयमुक्त हो जाएंगे, डर मुक्त हो जाएंगे, अभाव मुक्त हो जाएंगे। जब अभाव में होते हैं तो संग्रह करते हैं, अरे भाई 10-20 लाख बैंक बैलेंस कर लीजिए, कहीं विपत्ति आएगी तो कहाँ मांगेंगे, क्यों बैंक बैलेंस करते हैं, क्योंकि डर है। जब आपकी डर खत्म हो जाएगी तो बैंक बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसमें जितना पैसा चाहिए आपके पास आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, जैसे आश्रम चल रहा है आप बताइए ना, जुट करके कितने लोग देते हैं, आप चंदा इकट्ठा करिए। तो जब आप हनुमान जी को, गणेश को, भगवान को, काली को, दुर्गा को, सरस्वती को, कबीर साहब को, नानक देव जी को,
जितने पैगंबर हैं, महावतार बाबा, लहरी महाशय, इन सब को अपने अंदर हैं। और जब ये मान लेंगे और मानेंगे तो करेंगे क्या, फिर अपने एकाग्र हो जाएंगे। अगर हम उनको मान रहे हैं तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि सबके अंदर है वो। अगर आपके अंदर लहरी महाशय हैं तो हम कैसे आपकी निंदा कर सकते हैं? आपके अंदर गुरु नानक देव जी हैं तो हम कैसे निंदा करेंगे? आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तो हम कैसे आपकी निंदा करेंगे? यही है जीवन जीने की कला। इसी के विस्तार होने से देश की गरीबी खत्म होगी, राजनीतिक परिवर्तन होगा। जो लोग उस पद पर जाएंगे दादी माँ की तरह होंगी, जैसे दादी माँ अपने बहू को, बेटे को, नाती को, नतनी को सबको व्यवस्था करने के बाद तब अपनी करती है। जो सच्ची सासू है उनकी बात कर रहा हूँ, जो सच्ची माँ है, तो झगड़ालू वाली नहीं। घर का जो भी मालिक हुआ, जो मालिक होता करता क्या है, सबकी व्यवस्था करता है, अपनी बाद में करता है। ऐसे ही भारतवर्ष होगा, पूरे विश्व को सुख और शांति का संदेश देगा, कैसे जीवन व्यतीत करें, कष्ट रहित हो जाए। इस तरह से राष्ट्र की कल्पना करिए आप, और जब आप ये विचार बनाएंगे तो उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। और देश बदलने जा रहा है, कैसे बदलेगा? उस तरह से नहीं बदलेगा जैसा लोग बदलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, हिंदू यहाँ रहें, सिख वहाँ जाएं। सिख कहते खालिस्तान बनाओ, क्यों कहते खालिस्तान बनाओ? उसका कारण क्या है? क्योंकि सिख लोग जानते हैं सब अकर्मठ आलसी हैं, भीख मांगते हैं, काम ही नहीं करते हैं, तो खालिस्तान करते हैं पवित्र प्रदेश। तो कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, सब खाली स्थान है, खाली स्थान क्यों चाहते हैं, पूरा भारत ही ले लीजिए, तो बेकूफी का सम्मेलन हो जाता है। खालिस्तान करते हैं पवित्र राष्ट्र, राष्ट्र हमारा पवित्र है, एक एक भूमि पवित्र है, इसको स्वीकार करिए, जो नानक देव जी करते थे, कि झगड़ा खत्म हो जाएगा। न हिंदू मुस्लिम पर झगड़ा होगा, न खालिस्तान पर झगड़ा होगा, न तो क्रिश्चियन और हिंदू और मुस्लिम भी कोई झगड़ा रही नहीं जाएगा। और जैसे आश्रम चल रहा है शांतिपूर्वक, यहाँ पर आप आए हैं, आप अपने रिश्तेदारी में भी गए होंगे, घर में भी रहते होंगे, कहीं भी जाइए, गारंटी के साथ यहाँ इस नियम में रहिए, आप किसी का आलोचना नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, बाहर खाना नहीं खाएंगे, सब चीज़ यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। आपको जो सुख और शांति यहाँ मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। इससे हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। और इसके करने से होगा क्या, आप देखिएगा राष्ट्र बदल जाएगा, राष्ट्र इतना बदल जाएगा आपको आश्चर्य होगा कैसे बदल गया। अरे तो गहरी रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, क्या करें, तेल नहीं कि मसाल जलाएं, टॉर्च नहीं प्रकाश जलाएं, कुछ है ही नहीं, हे प्रभु इतना अंधेरा, ये कब जाएगा? अचानक सूर्योदय हो गया, अरे आश्चर्य, आधी रात कैसे प्रकाश हो गया ये, ऐसे सबको आश्चर्य होगा कि राष्ट्र कैसे बन गया। तो ये कोई चमत्कार नहीं होगा, ऐसा होने जा रहा है। मैं बहुत पहले 1980-81 में जो सीनियर मोस्ट आईएएस थे यूपी के, हमारे साथ जा रहे थे, तब तक हमें आया भी नहीं था, यहीं पुल पर खड़े होकर के हमको विजन हुआ था, इस रोड के दाहिने बाएं क्रिया योग आश्रम का एक केंद्र होगा, एक सेंटर होगा, जिसमें रिसर्च होगा कि हम कौन है, लोग करेंगे और विश्व के सभी लोग आएंगे। तो ऐसा हुआ कि नहीं? और हमारा सपना है कि एक दूसरे को घर की तरह मानिए, चिंता मत करिए पैसा आएगा कि नहीं, आप किसी घर की तरह मानिए, तो आप पेट नीचे सूखी रोटी खाइए, खुश रहेंगे। लोग आपके घर के नहीं हैं, चाहे जितने महंगा भोजन करिए वो स्वाद नहीं मिलेगा। आप प्रेम से रहिए, चाहे नदी किनारे सो जाइए, पेड़ के नीचे सो जाइए, ऐसा प्रेम हो कि हम दूसरे को इतना माने आप हमारे भगवान, आपके हम भगवान, तो देखिए किसी प्रकार की ना तो बीमारी आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी, ना चिंता होगी। यहाँ जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे, अपनी प्रॉपर्टी तो बेच के समाप्त कर दिए थे, जीरो था, 92 में घास ही घास थी, न बिजली, न लाइटें, न पानी, कुछ भी नहीं था, एकदम कुछ भी नहीं था। और विरोध जबरदस्त था, ये बना के नहीं है,
आप सबसे निवेदन करते हैं, आए खूब अभ्यास करिए, डरिए मत, आपकी सभी तकलीफ समाप्त हो जाएगी। आज हम मिलने का समय देंगे। हमने बताया कि हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के मैं सच्चा भक्त हूँ, इसे हनुमान जी की अच्छी फोटो रखता हूँ, बंदर वाली नहीं है। हनुमान जी को अपने श्वास में मैं देखता हूँ, अपने हाथ पैरों में देखता हूँ। तो जहाँ हनुमान जी वहीं शिव होंगे, जहाँ शिव है वहीं विष्णु होंगे, वहीं ब्रह्मा होंगे, जहाँ ये सब है सारे अवतार वहीं हैं। इस तरह से मान करके एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया ना, एटीएम के अंदर से विद्युत मिली, एटीएम के अंदर से इंटरनेट मिला, खोज हुई कि नहीं हुई? अगर मान लेते कि एटीएम ये धूल है, ये गंदगी, इसको फेंको, इसको छुओ मत, आविष्कार कैसे होता? तो आविष्कार करने में आपको दिक्कत क्या है? आज फिर से शुरू करिए, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए, इसको अनुभव करते रहिए, इसकी सारी अनुभूति को इसमें स्वीकार करिए। सब है, जिसको सोचिएगा इसी में है। अरे हमारे बाबा के बाबा के बाबा जो चले गए वो कहाँ? वो भी इसी में है, सब इसी में है। जो अनेक अवतार हुए हैं वो सब कहाँ हैं? सब इसी मिलेगा। आप करिए तो, न मिले तो कहिए। आपने किया नहीं, पहले इनकार दिया, इसका मतलब आलस्य है, और बिना किए मान लिए ये भी आलस्य है। आप अभ्यास करके सिद्ध करिए ना।